महापुराण, उत्तम पुराण, अष्ट पंचा शतमं पर्व, 58वां पर्व। जो वासु अर्थात इंद्र के पूज्य हैं अथवा महाराज वासु पूज्य के पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं, जो महाराज वसु पूज्य के पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे वासु पूज्य भगवान अपने ज्ञान से हम सबको पवित्र करें। पुष्करार द्वीप के पूर्व मेरु की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सकावती नाम का देश है। उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्नपुर नगर में पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की गुणमयी कीर्ति सबके वचनों में रहती थी, पुण्यमय मूर्ति सबके नेत्रों में रहती थी और धर्ममय वृत्ति सबके चित्त में रहती थी। उनके उसके वचनों में शांति थी, चित्त में दया थी, शरीर में तेज था, बुद्धि में नीति थी, दान में धन था, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति थी और शत्रुओं में प्रताप अर्थात अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करता था। जिस प्रकार न्याय मार्ग से चलने वाले मुनियों में समितियां बढ़ती रहती है, उसी प्रकार न्याय मार्ग से चलने वाले उस राजा के पृथ्वी का पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी। उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्ष्मी भी गुणों से प्रेम करने वाली थी, इसलिए वह उस लक्ष्मी के साथ बिना किसी प्रतिबंध के विशाल सुख प्राप्त करता रहता था। किसी एक दिन मनोहर नाम के पर्वत पर युगंधर जनराज विराजमान थे। पद्मोत्तर राजा ने वहां जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्रोतों से उनकी उपासना की, विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुपेक्षाओं का चिंतन किया। अनुपेक्षाओं के चिंतन से उसे शरीर, संसार और भोगों से तीन प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिंतन करने लगा कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुख रूप है, जीवन मरण पर्यंत है, संयोग वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगों से सहित है, अतः इन सब में क्या प्रेम करना है। अब तो मैं उपस्थित हुई इस काल लब्धि का अवलंबन लेकर अत्यंत भयानक इस संसार रूपी पंच परावर्तनों से बाहर निकलता हूँ। ऐसा विचार कर उसने राज्य का भार धनमित्र नामक पुत्र के लिए सौंपा और स्वयं आत्मशुद्धि के लिए अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। निर्मल बुद्धि के धारक पद्मोत्तर मुनि ने 11 अंगों का अध्ययन किया। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं रूप संपत्ति के प्रभाव से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया और अंत में संन्यास धारण किया। जिसने महाशुक्र विमान में महाशुक्र नाम का इंद्र हुआ, 16 सागर प्रमाण उसकी आयु थी और 4 हाथ ऊंचा शरीर था, पद्मलेशिया थी, 8 माह में एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्ट रहता था और 16,000 वर्ष बीतने पर एक बार मानसिक आहार लेता था, सदा शब्द से ही प्रविचार करता था अर्थात देवांगनाओं के मधुर शब्द सुनने मात्र से उसकी काम बाधा शांत हो जाती थी। चतुर्थ पृथ्वी तक उसके अवधि ज्ञान का विषय था और चतुर्थ पृथ्वी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेज की अवधि थी। वहां देवियों के मधुर वचन, गीत, बाजे आदि से वह सदा प्रसन्न रहता था। अंत में काल द्रव्य की पर्यायों से प्रेरित होकर जब वह यहाँ आने वाला हुआ, तब इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र में चंपा नगर में वसुपूज्य नाम का अंग देश का राजा रहता था। वह इच्छ्वाकु वंशी तथा काश्यप गोत्री था। उसकी प्रिय स्त्री का नाम जयावती था। जयावती ने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदनंतर उसने आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन 24वें शतभिषा नक्षत्र में 16 स्वप्न देखे और पति से उनका फल जानकर बहुत ही संतोष प्राप्त किया। क्रम क्रम से 8 माह बीत जाने पर जब 9वां फागुन माह आया, तब उसने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन वारुण योग में सब प्राणियों का हित करने वाले उस इंद्र रूप पुत्र को सुख से उत्पन्न किया। सौधर्म आदि देवों ने उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीर सागर से लाए हुए जल से उसका अभिषेक किया, आभूषण पहनाए, वासुपूज्य नाम रखा, घर वापस लाए और अनेक महोत्सव कर अपने अपने निवास स्थानों की ओर गमन किया। श्री श्रेयांश नाथ
नाम तीर्थंकर के तीर्थ से जब 54 सागर प्रमाण अंतर बीत चुका था और अंतिम पल्लव के तृतीय भाग में जब धर्म की संतति का विच्छेद हो गया था, तब वासुपूज्य भगवान का जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अंतर में सम्मिलित थी। वे 70 धनुष ऊंचे थे, 72 लाख वर्ष की उनकी आयु थी और कुमकुम के समान उनके शरीर की कांति थी। जिस प्रकार मेंढकों का आस्वादन करने योग्य अर्थात सजल क्षेत्र 18 प्रकार के ईष्ट धान्यों के बीजों की वृद्धि का कारण होता है, उसी प्रकार यह राजा गुणों की वृद्धि का कारण था। जिस प्रकार संसार का हित करने वाले समस्त प्रकार के धान्य समा नाम की इच्छित वर्षा को पाकर श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, उसी प्रकार समस्त गुण इस राजा की बुद्धि को पाकर श्रेष्ठ फल देने वाले हो गए थे। 7 दिनों तक मेघों का बरसना त्रय कहलाता है, 80 दिन तक बरसना कर्ण शिखर कहलाता है और बीच बीच में आतप धूप प्रकट करने वाले मेघों का 60 दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है। गुण अन्य हरिहराधिक में जाकर अप्रधान हो गए थे, परंतु इन वासुपूज्य भगवान में वही गुण मुख्यता को प्राप्त हुए थे, तो ठीक ही है, क्योंकि विशिष्ट आशय किसी विशेषता को नहीं करते। गुण अन्य हरिहराधिक में जाकर अप्रधान हो गए थे, परंतु इन वासुपूज्य भगवान में वही गुण मुख्यता को प्राप्त हुए थे, सो ठीक ही हैं, क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषता को नहीं करते। क्योंकि सब पदार्थ गुणमय हैं, गुणों से तन्मय हैं, अतः गुण का नाश होने से गुणी पदार्थ का भी नाश हो जाएगा। यह विचार कर ही बुद्धिमान वासुपूज्य भगवान समस्त गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे। जब कुमार काल के 18 लाख वर्ष बीत गए थे, तब संसार से विरक्त होकर भगवान बुद्धिमान भगवान अपने मन में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का इस प्रकार विचार करने लगे। यह निर्बुद्धि प्राणी विषयों में आसक्त होकर अपनी आत्मा को अपने ही द्वारा बांध लेता है और 4 प्रकार के बंध से 4 प्रकार का दुख भोगता हुआ इस अनादि संसार वन में भ्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियों से उत्तम गुण को प्रकट करने वाले सन्मार्ग को प्राप्त हुआ हूँ, अतः मुझे मोक्ष रूप सदगति ही प्राप्त करना चाहिए। शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनी सुंदर हो, निरोग हो, आयु चिरकाल तक बाधा से रहित हो और सुख के साधन निरंतर मिलते रहे, परंतु यह निश्चित है कि इन सब का वियोग अवश्य भावी है। यह इंद्रियजन सुख राग रूप है, रागी जीव कर्मों को बांधता है, बंध संसार का कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुख तथा सुख को देने वाली हैं, अतः मुझे इस संसार में क्या प्रयोजन है, यह तो बुद्धिमानों के द्वारा छोड़ने योग्य ही है। इधर भगवान ऐसा चिंतन कर रहे थे, उधर लोकांतक देवों ने आकर उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दी। देवों ने दीक्षा कल्याणा के समय होने वाला अभिषेक किया, आभूषण पहनाए तथा अनेक उत्सव किए। महाराज वासुपूज्य देवों के द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहर उद्यान नामक वन में गए और वहाँ 2 दिन का उपवास का नियम लेके फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में सामायिक नाम का चरित्र ग्रहण करने के साथ ही साथ मना परे ज्ञान के धाग भी हो गए। उनके साथ परमात्मा को जानने वाले 676 राजाओं ने भी बड़े हर्ष से दीक्षा प्राप्त की। दूसरे दिन उन्होंने आहार के लिए महानगर में प्रवेश किया। वहाँ सुवर्ण के समान कांति वाले सुंदर नाम के राजा ने उन्हें आहार दिया। और पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदंतर छद्मस्थ अवस्था का 1 वर्ष बीत जाने पर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा वन में आए। वहाँ उन्होंने कदम वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास का नियम लिया और माघ शुक्ल द्वितीया के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 4 घातियां कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब वे जिनराज हो गए। स्वधर्म आदि इंद्रों ने उसी समय आकर उनकी पूजा की। क्योंकि भगवान का दीक्षा कल्याणक नाम कर्म के उदय से हुआ था, अतः उसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया जा सकता। वे धर्म को आदि लेकर 66 गदाधारों से समूह से वंदित थे। 1200 पूर्व धर्म से घिरे रहते थे। 39,200 शिक्षक उनके चरणों की स्तुति करते थे। 12,400 अवधि ज्ञानी उनकी सेवा करते थे। 6,000 केवल ज्ञानी उनके साथ थे। 10,000
विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और 6,000 मना पर्याय ज्ञानी उनके चरण कमलों का आदर करते थे और 4,200 वादी उनके उत्तम प्रसिद्धि को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सब मिला के 72,000 मुनियों से वो सुशोभित थे। 1,06,000 सेना आदि से आरिकाओं को धारण करते थे, 2,00,000 श्रावकों से सहित थे और 4,00,000 श्राविकाओं से युक्त थे। असंख्यात देव देवियों से संयुक्त से स्तुत्य थे और संख्यात त्रियंशों से स्तुत्य थे। भगवान ने इन सब के साथ समस्त आर्य क्षेत्र में विहार कर उन्हें धर्म दृष्टि से संतप्त किया और क्रम क्रम से चंपा नगरी में आकर 1,000 वर्ष तक रहे। जब आयु का 1 मास शेष रह गया तब योग निरोध कर रजत मालिका नामक नदी के किनारे की भूमि पर वर्तमान मंदार गिरी के शिखर को सुशोभित करने वाले मनोहर उद्यानों में पर्यकर्षण से स्थित हुए था। भाद्रपद शुक्ल का चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 94 मुनियों के साथ मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए। सेवा करने में अत्यंत निपुण देवों ने निर्वाण कन्या की पूजा की। पूजा के बाद बड़े उत्साह से भगवान की वंदना की। जबकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा को अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए संधि विग्रह आदि 6 गुणों से ही सिद्धि विजय मिल जाती है, तब मोक्षाभिलाषी भगवान को 84,00,000 गुणों से सिद्धि मुक्ति क्यों नहीं मिलती? अवश्य मिलती है। पदार्थ कथनचित सत है, कथनचित असत है, कथनचित सत असत उभय रूप है, कथनचित अव्यक्तव है, कथनचित सत अव्यक्त है, कथनचित असत अव्यक्त है और कथनचित सद सद वक्तव्य है। इस प्रकार हे भगवान, आपने प्रत्येक पदार्थ का प्रति सप्तभंगी का निरूपण किया है और इसलिए आप सत्यवादी रूप से प्रसिद्ध हैं। फिर हे वासुपूज्य देव, आप पूज्य क्यों ना हो, अवश्य हों। धर्म दया रूप है, परंतु वह दया रूप धर्म परिग्रह सहित पुरुष के कैसे हो सकता है? वर्षा पृथ्वी तल का कल्याण करने वाली है, परंतु प्रतिबंध के रहते कैसे हो सकती है? इसलिए आपने अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रहों के त्याग का उपदेश दिया है। हे वासुपूजनेन्द्र, आप इसी परिग्रह त्याग की वासना से पूजित हैं। जो पहले पद्म जन्म में पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए, वह इंद्र जिनके की चरण देव रूपी भ्रमरों के लिए कमल के समान थे और फिर त्रिजक पूज्य वासुपूजनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र जिन्होंने की बाल ब्रह्मचारी रहकर ही राज्य किया, वे 12वें तीर्थंकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें। अथांतर श्री वासुपूज्य स्वामी के तीर्थ में द्रिपष्ट नाम का राजा हुआ, जो कि 3 खंड का स्वामी था और दूसरा अर्धचक्रीय नारायण था। यहाँ उसका 3 जन्म संबंधी चरित्र कहता हूँ, जिसके सुनने से भव्य जीवों को संसार में बहुत भारी भय उत्पन्न होगा। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कनकपुर नाम का एक नगर है। उसके राजा का नाम सुषेण था। सुषेण के एक गुणमंजरी नाम की नृत्यकारिणी थी। वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओं में प्रसिद्ध थी और दूसरी सरस्वती के समान जान पड़ती थी, इसलिए सब राजा उसे चाहते थे। उसी भरत क्षेत्र में एक मलय नाम का मनोहर देश था। उसके विंध्यपुर नगर में विंध्य शक्ति नाम का राजा रहता था। जिस प्रकार मधुरता के रस से अनुरक्त हुआ भ्रमर आम्रमंजरी के देखने में आसक्त होता है, उसी प्रकार वह राजा गुणमंजरी के देखने में आसक्त था। उस नृत्यकारिणी को प्राप्त करने की इच्छा से सुषेण राजा का सम्मान कर उसके पास रत्न आदि की भेंट लेकर चित्र को हरण करने वाला एक दूत भेजा। उस दूत ने भी शीघ्र जाकर सुषेण महाराज के दर्शन किए, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार सच्चा समाचार कहा। उसने कहा कि आपके घर में जो अत्यंत प्रसिद्ध नर्तकी रूप महारत्न है, उसे आपका भाई विंध्य शक्ति देखना चाहता है। हे राजन, इसी प्रयोजन को लेकर मैं यहाँ भेजा गया हूँ। आप भी उस नृत्यकारिणी को भेज दीजिए, मैं उसे वापस लाकर आपको सौंप दूंगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर सुषेण क्रोध से अत्यंत कांपने लगा और कहने लगा कि जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार से भरे हुए इन वचनों से क्या लाभ है। इसी प्रकार सुषेण राजा ने खोटे शब्द के द्वारा दूत की बहुत भारी भर्त्सना की। दूत ने वापस आकर यह सब समाचार राजा विंध्य शक्ति से कहा। दूत के वचन सुनने से वह भी बहुत भारी क्रोध रूपी ग्रह से अविष्ट हो गया, अत्यंत कुपित हो गया और कहने लगा, रहने दो, क्या दोष है। तदंतर मंत्रियों के साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया।
कूट युद्ध करने में चतुर शेष योद्धाओं के आगे चलने वाला और शूरवीर वह राजा अपनी सेना को लेकर शीघ्र चला। विंध्य शक्ति ने युद्ध में राजा सुषेण को पराजित किया और उसकी कीर्ति के सम्मान नृत्यकारिणी को जबरदस्ती छीन लिया तो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता। जिस प्रकार दांत का टूट जाना हाथी की महिमा को बताया और दाल का टूट जाना सिंह की महिमा को तुरंत करता है, उसी प्रकार मानभंग राजा की महिमा को छिपा देता है। उस मानभंग से राजा सुषेण का दिल टूट गया। अतः जिस प्रकार पीठ टूट जाने पर सर्प एक भी पद नहीं चल पाता है, उसी प्रकार वह भी अपने स्थान से एक भी पद नहीं चल सका। किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्म के स्वरूप को जानने वाले गृह त्यागी सुव्रत जिनेन्द्र से धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्र से इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पाप का ही उदय था जिसने विंध्य शक्ति से मुझे हरा दिया। ऐसा विचार कर उसने पाप रूप शत्रु को नष्ट करने की इच्छा की और उन्हीं से जिनेन्द्र दीक्षा ले ली। बहुत दिन तक तप रूपी अग्नि के संताप से उसका शरीर क्रश हो गया। अंत में शत्रु पर क्रोध रखता हुआ वह निदान बंद सहित संन्यास धारण कर प्राणतरंग में अनुपम नामक विमान में 20 सागर की आयु वाला तथा 8 रिद्धियों से हर्षित देव हुआ। अथांतर इसी भरत क्षेत्र के महापुर नगर में श्रीमान वायुरथ नाम का राजा रहता था। चिरकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग कर उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्र के पास धर्म का उपदेश सुना। तत्वज्ञानी वह पहले से ही था, अतः विरक्त होकर धनरथ नाम के पुत्र को राजदेह के तप के लिए चला गया। समय शास्त्रों का अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर उसी प्राण स्वर्ग के अनुत्तर नामक विमान में इंद्र हुआ। वहां से चय कर इसी भरत क्षेत्र की द्वारावती नगरी के राजा ब्रह्म की से उनकी रानी सुभद्रा के अचल स्तोक नाम का पुत्र हुआ तथा सुषेण का जीव भी वहां से चय कर उसी ब्रह्म राजा की दूसरी रानी के उषा के द्रिपष्ट नाम का पुत्र हुआ। उस द्रिपष्ट का शरीर 70 धनुष ऊंचा था और आयु 72 लाख वर्ष की थी। इस प्रकार इच्छवाकु वंश का अग्रेसर वह द्रिपष्ट राजाओं के उत्तम भोग का उपभोग करता था। कुंद पुष्प तथा इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्पर मिलते थे तब गंगा और यमुना के प्रवाह के समान जान पड़ते थे। जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरु के द्वारा दी हुई सरस्वती का बिना विभाग किए ही उपभोग करते हैं, उसी प्रकार पुण्य के स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किए ही पृथ्वी का उपभोग करते थे। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाले उन दोनों भाइयों में अभेद था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, तो ठीक ही है, क्योंकि उसी अभेद की प्रशंसा होती है जो कि लक्ष्मी और स्त्री का संयोग होने पर भी बना रहता है। वे दोनों स्थित थे, बहुत ऊँचे थे तथा सफ़ेद और नील रंग के थे, इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कैलाश और अंजनगिरी एक जगह के मिले हों। इधर राजा विंध्य शक्ति घटी यंत्र के समान चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण करता रहा। अंत में थोड़े से पुण्य के साधन प्राप्त हुए तब इसी भरत क्षेत्र के भोगवदन नगर के राजा श्रीधर के सर्वप्रसिद्ध तारक नाम का पुत्र हुआ। अपने चक्र के आक्रमण संबंधी भय से जिसने समस्त विद्याधर द भूमि गोचरियों को अपना दास बना लिया है, ऐसा वह तारक आधे भरत क्षेत्र में रहने वाले दैदीप्यमान लक्ष्मी को धारण कर रहा था। अन्य जगह की बातें रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस उसके डर से सूर्य की प्रभाव भी मन पड़ गई थी, इसलिए लक्ष्मी कमलों में कभी 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 प्रसन्न नहीं दिखती थी। जिस प्रकार उग्र राहु पूर्णिमा के चंद्रमा को विरोधी होता है, उसी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओं के मार्ग का विरोधी था। जिस प्रकार किसी क्रूर ग्रह के विकार से मेघमाला के गर्भ गिर जाते हैं, उसी प्रकार तारक का नाम लेते ही भय उत्पन्न होने से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। स्याही के समान श्याम वर्ण वाला वह तारक सदा शत्रुओं को ढूंढता रहता था और जब किसी शत्रु को नहीं पाता था तब ऐसा जान पाता था मानो अपने प्रताप रूपी अग्नि के धुएं से ही काला पड़ गया हो। जिसने समस्त क्षत्रियों को संतप्त कर रखा है और जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दुख को सहन करने योग्य है, ऐसा वह तारक अंत में पतन के सम्मुख हुआ तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे लोगों की लक्ष्मी क्या स्थिर रह सकती है। जो अखंड 3 खंडों का स्वामित्व धारण करता था, ऐसा तारक जन्मांतर से आए हुए तीव्र विरोध से प्रेरित होकर द्रिपष्ट नारायण और अचल बलभद्र की वृद्धि को नहीं सह सका। वह सोचने लगा, मैंने समस्त राजाओं और किसानों को कर देने वाला बना लिया है, परंतु ये दोनों भाई ब्राह्मण के समान कर नहीं देते। इतना ही नहीं, दुष्ट गर्व से युक्त भी हैं, अपने घर में बढ़ते हुए दुष्ट ताप को कौन सहन करेगा। ये दोनों मेरे द्वारा नष्ट किए जाने योग्य शस्त्रों की श्रेणी में स्थित हैं
और मैं अपने स्वभाव से दूषित भी हैं, अतः जिस किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य नष्ट करूँगा। इस प्रकार अपाय का विचार कर उसने दुर्वचन कहने वाला एक कलह प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयों के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओं को मारने वाले तारक महाराज ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घर में जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गंध हस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेज दो, अन्यथा तुम दोनों के सिर खंडित कर अपनी विजय की सेना के द्वारा उस हाथी को जबरदस्ती मंगा लूंगा। इस प्रकार उस कलहकारी दूत के द्वारा कहे हुए असभ्य और सहन करने योग्य अयोग्य वचन सुनकर पर्वत के समान अचल उदार और धीरोदात प्रकृति के धारक अचल भ्रबत इस प्रकार कहने लगे कि हाथी क्या चीज है, तारक महाराज ही अपनी सेना के साथ शीघ्र आवे, हम उनके लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तु देंगे जिससे कि वे स्वस्थता कुशलता मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार गंभीर वचन कहकर अचल भ्रबत ने उस दूत को विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवा की तरह उसकी कोपाग्नि को प्रदीप कर दिया। यह सुनकर कोपाग्नि से प्रदीप हुआ तारक अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और कहने लगा इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाग्नि के पतंगे बन रहे हैं। उसने मंत्रियों के साथ बैठकर किसी कार्य का विचार नहीं किया और अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न मानकर मृत्यु प्राप्त करने के स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया। अन्याय करने के सम्मुख हुआ वह मूर्ख षडंग सेना के समस्त पृथ्वी को कंपाता हुआ उदय होने के सम्मुख हुए उन दोनों भाइयों के पास जा पहुंचा। उसने सब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया इसलिए प्रलय काल के समुद्र को भी जीत रहा था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारक ने शीघ्र ही जाकर अपनी सेना रूपी वेला ज्वारभाटा के द्वारा अचल और ध्रुपष्ट के नगर को घेर लिया। जिस प्रकार कोई पर्वत जल की लहर को अनायासी रोक देता है उसी प्रकार पर्वत के समान स्थिर रहने वाले अचल ने अपनी सेना के द्वारा उसकी निसार सेना को अनायासी रोक दिया। जिस प्रकार सिंह का बच्चा मत्त हाथी के ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्भुत प्रकृति वाले द्रुपष्ट ने भी एक पराक्रम की सहायता से बलवान धनुष्वरूप आक्रमण कर दिया। तारक ने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो भी वह द्रुपष्ट को पराजित करने में समर्थ नहीं हो सका। अंत में उसने यमराज के चक्र के समान अपना चक्र घुमा के फेंका। वह चक्र द्रुपष्ट की प्रदक्षिणा देकर उसे लक्ष्मीपति के दाहिने भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्र से तारक को नरक भेज दिया। उसी समय द्रुपष्ट 7 उत्तम रत्नों का तथा 3 खंडों पृथ्वी का स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया तथा 4 रत्न उसे प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने शत्रु राजाओं को जीतकर दिग्विजय किया और श्री वासुपूज्य स्वामी को नमस्कार कर अपने नगर में प्रवेश किया। चिरकाल तक 3 खंड का राज्य कर अनेक सुख भोगे। आयु के अंत में मरकर द्रुपष्ट 7वें नरक में गया। भाई के वियोग से अचल को बहुत शोक हुआ जिसने उसने श्री वासुपूज्य स्वामी का आश्रय लेकर संयम धारण कर लिया और मोक्ष लक्ष्मी के साथ समागम प्राप्त किया। उन दोनों भाइयों ने किसी पुण्य का बीज पाकर 3 खंड की पृथ्वी पाई, अनेक विभूति पाई और साथ ही साथ उत्तम पद प्राप्त किया, परंतु उनमें से एक तो अंकुर के समान फल प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर मोक्ष गया और दूसरा पाप से युक्त होने के कारण फल रहित जड़ के समान नीचे की ओर गया। इस प्रकार द्रुपष्ट और अचल का जो भी जीवन वृत्त घटित हुआ वह सब कर्मों के उदय से ही घटित हुआ ऐसा विचार कर विशाल बुद्धि के धारक आर्य पुरुषों को पाप छोड़कर उससे विपरीत समस्त सुखों का भंडार जो पुण्य है वही करना चाहिए। राजा द्रुपष्ट इसी भरत क्षेत्र में कनकपुर नगर में सुषेण नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण करके 14वें स्वर्ग में देव हुआ, तदंतर 3 खंड की रक्षा करने वाला द्रुपष्ट नाम का अर्धचक्री हुआ और इसके बाद परिग्रह के महान भार से मरकर 7वें नरक गया। बलभद्र पहले महापुर नगर में वायुरथ राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चरित्र को प्राप्त कर उसने प्राणत स्वर्ग में अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, तदंतर द्वारावती नगरी में अचल नाम का बलभद्र हुआ और अंत में निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवन के द्वारा पूज्य हुआ। पृथ्वीनारायण तारक पहले प्रसिद्ध विंध्य नगर में विंध्य शक्ति नाम का राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार भ्रमण करता रहा, कदाचित थोड़ा पुण्य का संचय कर श्री भोगवदन नाम नगर का राजा तारक हुआ और अंत में द्रुपष्ट नारायण का शत्रु होकर उनके हाथ से मारा जाकर महापाप के उदय से अंतिम पृथ्वी में नारकी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण वृद्धाचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में वासुपूज्यनेन्द्र द्रुपष्ट नारायण अचल बर्बत और तारक पति नारायण का वर्णन करने वाला 98वां पर्व पूर्ण हुआ।